हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ये कोई भी गवर्नमेंट साइट से अनाउंस नहीं किया गया है, ये मेरे कंपनी का हायर ऑफिशियल से इन्फॉर्म किया गया है। ये कंपनी के बारे में कोई भी बात नहीं है, कंपनी रिलेटेड कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो बात है, ये नॉट ओनली हम लोगों के कंपनी के लिए, ये सारे लोगों के लिए, जो लोग अभी आने वाले या तो फिर जो लोग अभी न्यू कतर में आ रहे हैं जॉब लेके, सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दो दिन पहले मेरे कंपनी का एक वर्कर के पास एक कॉल आया था, जहाँ पे बोला गया कि उन लोग MOI साइट से कॉल कर रहे हैं कतर आईडी के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उन लोग सोच ही सकते हैं कि हम लोग का कंपनी शायद हम लोग के लिए कतर आईडी इशू कर रहा है। तो वहाँ पे जैसे कि आप लोगों से बात किया जाएगा, वैसे आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा कि उन लोग कोई फ्रॉड कर रहे हैं या तो फिर उन लोग का मकसद ही कुछ और है। तो आप लोग सोचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से डायरेक्ट कॉल आ रहा है, तो आप लोगों से वहाँ पे आईडी नंबर लिया जाएगा। आप लोग का आईडी नहीं है तो आप लोग का वीजा नंबर लिया जाएगा, आप लोग का फोन नंबर लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बातों ही बातों में आप लोगों का ATM नंबर या तो फिर आप लोगों का पिन नंबर ऐसा कुछ मांग सकते हैं, या तो फिर आप लोगों का फोन में कोई OTP आता है तो उस OTP को भी मांग सकते हैं। आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि आप लोगों से कोई फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का बोलने का एक्सेंट या तो फिर बोलने का तरीका ऐसा है कि आप लोग उसके बात में घुस जाएंगे। तो काइंडली यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई भी बैंक अकाउंट नंबर या तो फिर पिन नंबर या तो फिर आप लोगों का फोन में कोई कोड आता है, OTP आता है, वो आप लोगों से मांगता है तो एकदम डिनाई कर दीजिए। किसी को भी कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे जिसके पास कॉल आया तो उनको बहुत ही फोर्स किया गया कि आप लोग अगर वो OTP नहीं देते या तो फिर ATM पिन नंबर नहीं देते हैं तो आप लोगों को कतर से निकाल दिया जाएगा, आप लोगों का अकाउंट को सील कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है। तो यहाँ पे जो लोग नए आने वाले हैं उन लोग शायद डर के मारे सब कुछ आप लोग को वहाँ पे दे देते हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग दे देते हैं तो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग का जो सैलरी आएगा एक साइड से एंटर होगा और एक साइड से निकल जाएगा। आप लोग बोलिए, जो करना है करिए, मैं डायरेक्ट अपना कंपनी HR से बात कर लूंगा इसके ऊपर में। तो चलिए अभी देख लेते हैं आज का डेट का कोविड कंडीशन कतर में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट 24 घंटे में टोटल 350 से भी ज्यादा लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेजा गया, जिनमें से 341 लोगों को बाहर में मास्क नहीं पहनने के वजह से, 5 लोगों को गाड़ी का जो रूल है उसको वायलेट करने के लिए, और 9 लोगों को ऐतराज ऐप को बिना इंस्टॉल करके या तो फिर बिना स्टार्ट करके बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे एक सब्सक्राइबर को भी पकड़ लिया गया है, जिसका मास्क नाक के सिर्फ नीचे आ गया था, इसके लिए उसका आईडी लेके उसका नंबर लिख लिया गया है। अभी पता नहीं उसका नेक्स्ट डिसीजन अभी क्या किया जाएगा उसके साथ। ओके, तो काइंडली आप लोग थोड़ा सावधानी बरसे और जो मास्क है उसको सही तरीके से पहने। ऐसा नहीं है कि नाक के नीचे मुंह के नीचे कर लिया ऐसा तभी चलेगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कोविड का आंकड़े क्या बता रहे हैं। यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स में टोटल 479 कोविड का पॉजिटिव केसेस आया है। जहाँ पे रिकवरी केस का देखें तो टोटल 345 रिकवरी केस दर्ज किया गया है। यहाँ पे लास्ट 24 घंटे का अंदर एक डेथ केस भी आया है। लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिवली 1, 2, 3 डेथ केस आ गया है, और इसी के साथ साथ टोटल 268 तक पहुंच गया है। और आज को एक 55 ईयर्स का एक आदमी का डेथ हो गया इस कोरोना की वजह से। और इसी के साथ साथ आज का डेट में टोटल 12,091 मतलब 12,000 से भी ऊपर चला गया है कोरोना का एक्टिव केसेस कतर में। ओके, जो एक बहुत ही टेंशन वाला बात है। तो यही जो इन्फॉर्मेशन था मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।